श्रीमती शताब्दी रॉय। आज 8 मार्च वुमेन्स डे। मेरे घर में जो काम करती है वो आज भी वही काम कर रही है, लेकिन आज 8 मार्च है। जो रास्ते में सिग्नल पे बच्चे लेके भीख मांगती है वो भी वही कर रही है, लेकिन फिर भी आज 8 मार्च है। डाउरी लेने के लिए नहीं दिया इसलिए जो ससुराल उसके बहू को टॉर्चर करते हैं मेंटली एंड फिजिकली, वो भी आज भी वही चल रही है, फिर भी आज 8 मार्च है। एक्चुअली मैं बहुत सारे से बात किया, 8 मार्च का मतलब क्या है, क्यों ये स्पेशल है। कोई बोलते ये स्पेशल है क्योंकि वुमेन स्पेशल है, आप लोग को रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए, और किसी का बात ये है आप लोग वीकर हो, सोसाइटी में नीचे हो, तुमको सपोर्ट देने के लिए ये वुमेन्स डे है। मैं ये दूसरे पे बिलीव करती हूँ। लेकिन जो भी जेंडर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो तब तक है जब वो सोसाइटी में आते हैं। अगर कोई किसी माँ से पूछे जो 10 महीने 10 दिन कोख में रखते हैं, उसको लड़का या लड़की जो भी है उसमें पेन अलग होते क्या, उसका अनुभव अलग होते क्या, उसका जो स्ट्रेस होते हैं, जो सब में टेंशन होते हैं, वो अलग होते हैं क्या? क्योंकि जब तक बच्चे के दुनिया, देश और गांव उसका कोख होते है, तब तक कुछ भी नहीं है। जब पैदा हो जाते तब ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको डिफेंस करते हैं, लेकिन तब तक ये डिफेंस ये चलेगा जब तक इकोनॉमिकली हम लोग इक्वल नहीं होंगे। जब तक घर में काम करेंगे 24 आवर्स, फिर भी उसका इनकम नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करते। जब हस्बैंड 8 आवर्स इंजीनियर बनते हैं तो फिर उसका इनकम होता, इसके लिए इनकम ही एक है जिसमें आप इक्वल बन सकते हैं, और उसके लिए एडुकेशन ज़रूरी है। जब तक हम लोग एडुकेशन नहीं देंगे तब तक इनकम भी नहीं होंगे, तब तक हम इक्वल भी नहीं बन पाएंगे। जैसे वोमेन को हमेशा एड में भी दिखाते हैं, जैसे यूज़ करते जो प्रोडक्ट, अभी जो ऐड बनते हैं, जैसे टीवी का ऐड होते, फ्रिज का ऐड होते, गाड़ी के ऐड होते, उसमें क्या बोलते हैं, ये लीजिए ये बेस्ट है, ये आपको पैसा बचाएंगे, ये पेट्रोल बचाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, इसी इक्वली आप वही बोल रहे लड़की बचाइए बेटी बचाइए तो आपको अल्टीमेटली इनकम देंगे। तो प्रोडक्ट बना दिया, अभी भी नारी वही प्रोडक्ट है जो फ्रिज टीवी गाड़ी के साथ तोलते हैं। हम लोग का ये चाहिए, आप लोग अब बोलेंगे जे बस में स्पेशल सीट वुमेन के लिए नहीं चाहिए, हम लोग बस चलाना चाहते हैं। आप बोलेंगे आप लेडीज फर्स्ट, आप सामने जाइए, नहीं, हम लोग कंधे पे कंधे मिले के चलना चाहिए। 5 लाख इनकम करने से आपका टैक्स फ्री नहीं चाहिए, 5 करोड़ इनकम करके मैं पूरा टैक्स देना चाहती हूँ। आप लोग जब भी बोलेंगे, एक कम टाइम है सबको बोलना है, अगर बोले तो पूरा दिन रात बोल सकते कि यही हम लोग का एहसास है जिंदगी का, बाकी सब बोलेंगे। तो एक कविता ऐसे मैं बोलती हूँ, एक 5 साल के बच्चे, उसको डैडी से पूछा, डैडी फ्रीडम किसको बोलते हैं? डैडी ने कहा जब आप सब जो चाहे बोल सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, किसी के पास आप आंसरेबल नहीं हो, जो भी बोलोगे जो भी कहोगे अपने मन से कर सकते हो, ये फ्रीडम है। तो 5 साल के बच्चे कहा डैडी तो मुझे भी फ्रीडम मिलना चाहिए। डैडी बोला नहीं, तुम बच्चे हो अभी फ्रीडम लेके क्या करो, जब बड़े हो जाओगे फ्रीडम अपने आप आ जाएंगे। बड़े होने से ही फ्रीडम मिलते हैं, बड़े होने से ही फ्रीडम अपने आप आ जाती है। बच्ची ने पूछा डैडी माँ कब बड़ी होगी? हम लोग का सोसाइटी में माँ बड़ी नहीं होती, इसलिए अभी भी हम लोग का इक्वलिटी की बात करती हूँ। माँ को बड़े होना चाहिए, बड़ी होने दीजिए, तो फिर ये डिस्कशन का बात ही नहीं होगा। और मैं एक बात पे मैं कंक्लूड करती हूँ, मैं पर्सनली ये डे नहीं मानती क्योंकि साल भर मुझे चाहिए वुमेन्स डे। तब तक मैं 8 मार्च नारी दिवस सेलिब्रेट करूँगी जब 9 मार्च पुरुष दिवस होंगे, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी। थैंक यू। थैंक यू श्रीमती प्रत्यु।